और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के राजीव नगर नाला पर बुधवार देर रात एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। करीब एक किलोमीटर के बाद बाइक कार से अलग हुई और कार सवार मौके से फरार हो गया। दोनों युवक सड़क पर काफी देर तक घायल अवस्था में तड़पते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोग दौड़े और दोनों को उठाया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर के बाद दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना के राजीव नगर नाला रोड पर बुधवार देर रात भीषण एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार दो युवकों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, ये एक्सीडेंट काफी भीषण रहा और दोनों ही युवक घायल हुए, अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, क्या पूरी जानकारी? देखिए रश्मि, निश्चित तौर पर दोनों युवक की हालत बहुत गंभीर है। जो सुबह में हमने अपडेट लिया है, दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। पूरा मामला सीधे तौर पर लापरवाही का है। अब आप समझिए कि ये एक सेंट जिस समय उसे टक्कर मारी गई, एक किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटता रहा। दोनों युवक गाड़ी के साथ घसीटते हुए एक किलोमीटर तक गए। किसी तरीके से गाड़ी से वो कार से वो बाइक अलग हुआ, उसके बाद स्थानीय लोग दौड़े, कार सवार वहां से फरार हो गया। तत्काल पूरे मामले में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस काफी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंची, युवक तड़पता रहा। स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल दोनों को भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को कई स्थानों पर गंभीर चोट, शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल कार का लोकेशन ले रही है, कार का नंबर निकाल रही है और पुलिस का कहना है FIR दर्ज किया जा रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, वह लापरवाही का नतीजा है। वो उस इलाके में गाड़ियां इसी तरीके से चलती हैं, कई बार वहां बाइक सवार फोर व्हीलर नाले में गिरे हैं फुल स्पीड में, लेकिन कोई देख रहे, क्योंकि उस इलाके में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल देखना है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम जानकारी के लिए।